से मांगने के लिए उनका परिवार देख रहा है। दूसरे में पानी उन्हें कुछ नहीं था, अब तब धीरे धीरे चलेगा। अब सूर्योदय भले ही हो चुका है, भयंकर दृश्य। इस भयंकर दृश्य को 2011 खरे में पानी, अब सोचो आप इतना बड़ा, जहाँ हर साल मैं आता हूँ यहाँ पे, रोज सुबह शाम तो आता है, ऐसी भव्य सुंदरता बनेगी, इतना प्यारा लग रहा है। प्रेम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। स्वागत करता हूँ आज की एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। आज है छठ पूजा, जैसा कि आप सब जानते हो कि दिवाली का आपने वीडियो देख ही लिया, तो आज हम चलेंगे बहुत जल्दी सवेरे, आज नहा धो लिया और आज हम चलेंगे छठ पूजा, जहाँ हर साल मैं आपको दिखाता हूँ छठ पूजा किस तरह से हमारे यहाँ मनाया जाता है। तो ब्लॉग को शुरू करने से पहले आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, और मैं इस बार लिंक भी डाल दूंगा जितनी भी छठ पूजा हमारे यहाँ से शुरुआत हुई। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सुबह के लगभग 6 बजने वाले हैं, सूर्योदय होने वाला है। गुड मॉर्निंग मम्मी। अभी देखो मम्मी भी हमारे साथ चलेंगी। सुबह का माहौल देखो, ये देखो शीत पड़ा हुआ धीरे धीरे, और मौसम बहुत सुंदर लग रहा है। बाइक निकालते हैं, यहाँ पे है, बाइक से चलता हूँ जल्दी से। आज जल्दीबाजी करते 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 बहुत समय लग गया। हाँ, बहुत सवेरे उठे हम। हाँ, चलो 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 चलेंगे जैसा कि हमेशा चलते हैं। आ गए वहीं पे जहाँ छठ पूजा मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, आप देख रहे हो ना, वहाँ पे मनाया जाता है, वहाँ पे। चलिए चलते हैं, बहुत ही शानदार आज की वीडियो होने वाली है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कुरकुरे और नमकीन जरूर खा लीजिएगा, सुंदर सजाएगा। चलिए चलते हैं इस रास्ते। जो सूर्य रोजाना सवेरे उग जाते थे, आज उसी सूर्य का इंतजार हो रहा। सामने देखो, मैं अंदर आ गया, इधर से देखो कितना सुंदर लग रहा है। आप पीछे से चलते वहाँ पे, सूर्य हो रही है और बाजा चल रहा है, कॉपीराइट ना आ जाए, तो थोड़ा थोड़ा हम क्लिप आपको धीरे धीरे दिखाएंगे, है ना। हर साल अपेक्षा इस बार बहुत ही भव्य व्यवस्था हुई है यहाँ पे। अभी देखिएगा आप कितना सुंदर लगेगा इस, ये जो है चौराहा, ये रोड जो है, हाय हाय कर जो हमारे फैन हैं। और इस बार बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पे है, काफ़ी भरा हुआ है, वहाँ चल के देखें बहुत ही आनंद आएगा, है ना। बहुत सुंदर लगेगा आज का ये दृश्य। देखिए कैसे हमारी माताएं बहनें इंतजार करती हैं। छठ माँ का पर्व आस्था का प्रतीक है दोस्तों, यह कल से ही तैयारी हो जाती है, मतलब एक दिन पहले से ही नहा खा के इस पूजा की तैयारी हो जाती है, और सूर्यदेव जो है वहीं पर निकलेंगे। अभी इंतजार जो हो रहा है ना, यहाँ पर इस छठ पूजा की विशेष तैयारी जो लोग करते हैं, कौन कौन लोग करवाते हैं, आपको पता है ना कि मैंने बताया था कि छठ पूजा की तैयारी कौन कौन से लोग करवाते हैं, काफ़ी समिति है। और इस छठ पूजा की शुरुआत लगभग आज के लगभग 14-15 साल पहले शुरुआत हुई, तब इस पोखरे में पानी उन्हें कुछ नहीं था, और तब जो है मेरा छोटा भाई चंदन सोनी, जिसके नाम से चैनल है, उन्होंने शुरुआत किया। कैसे शुरुआत की, इसमें पोखरे में पानी नहीं था, तो
जनरेटर से पानी चलवा करके इसमें जो है पानी डलवाया। अब तब एक दो तीन औरतें आती थी, उसके बाद अगले साल 3-4, फिर अगले साल 10-15, और इस साल आप देखो ये भीड़ है यहाँ का। पता है क्या हुआ 2011-12 में, ये जो नगर आप देख रहे हो ना विहंगम दृश्य, इस विहंगम दृश्य को 2011-12 में चंदन सोनी ने देखा था कि आज अगर मैं पहली बार शुरुआत नहीं करता हूँ तो ये विहंगम दृश्य आने वाले समय में लोग कैसे देख पाएंगे। यहाँ तक कि लोग इस नगर में छठ पूजा का नाम सुने थे, मनाता कोई नहीं था, लेकिन आज ये विहंगम दृश्य हमारी माताएं बहनें इस प्रांगण में मना रही हैं, तो उद्देश्य केवल चंदन सोनी आर्ट को जाता है, क्योंकि उन्होंने इस पोखरे में पानी, अब सोचो आप इतना बड़ा पोखरा में जनरेटर खुद चलवा करके उन्होंने पानी चलवाया, और मात्र 2-3 औरतें माताएं बहनें आईं, ना कोई चहल ना कोई पहल और ना कोई मेला, कुछ भी नहीं, बस 2-4 लड़कों के साथ रात में बिताया, टेंट लगाया, बस अपने पास से जो भी उन्होंने पास पैसे थे खर्च किए, है ना। उसके बाद उन्होंने अगले साल फिर वही कार्य दोहराया, फिर 10-12 औरतें आईं और रात में यहाँ पर जागरण किया, और रात की व्यवस्था आपने देखा ना, हलवा पूरी जो बन रहा है, और भी व्यवस्था क्या है रात में, भी कुछ और व्यवस्था थी। रात में अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर जागरण किया और उन लोगों के भोजन की व्यवस्था की, लाइट लगवाया ताकि रात्रि में जो लोग आए और रुके उन लोगों को एक स्थान मिले, और छोटे छोटे बच्चों के लिए एक थिएटर का बड़ी वाली स्क्रीन, जो पर्दा वाला वीडियो दिखा, जिससे लोग आकर्षित हुए, है ना, बहुत अच्छा लगा। अब इस पार से उस पार आइए, चलते हैं इस मंदिर के पास जहाँ हर साल मैं आता हूँ, यहाँ पे रोज सुबह शाम तो आता ही हूँ। तो आपने देख ही लिया और पीछे की साइड देख लिया, अब चलते हैं जिस तरफ ये कार्यालय बना हुआ है उस तरफ कितना भीड़ है ना, बहुत आनंद आ रहा है छठ पूजा में। और अभी मैं यहाँ तो दिखा ही दिया आपको, ये जो मेरे पास है, अभी चलते हैं नदी पे में जहाँ पर इस कैसे ही भव्य पूजा होती है, वहाँ पे पहले शुरुआत हुई, बाद में पहले यहाँ शुरुआत हुआ वहाँ चलेंगे, दिखाइएगा आपको कि कितना सुंदर लगेगा वहाँ पे। सबसे पहले शुरुआत तो वहीं हुआ था, बाद में यहाँ पे ये देखिए गए हम यहाँ पे। दोस्तों पहली बार ये देखो मेरी सिस्टर सफेद ओढ़ने वाली, ये देखो पहली बार खड़ी हुई छठ पूजा में, क्या बात है, मजे आ गए। ये भारतीय संस्कृति कितनी प्यारी होती है, यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिलता है, कैसे माता का कैसे बहन का सम्मान करना चाहिए, कैसे देवी देवताओं की पूजी करनी चाहिए, क्या क्या करने चाहिए, और लोग क्या क्या करते हैं और अपने इष्ट से मांगने के लिए, पानी में सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहना, उनसे याचनाएं करना, पीछे कितने लोग हैं। अब हम चलते हैं उधर, अभी आपने पश्चिम देखा, पश्चिम से इधर देखा दक्षिण साइड में, अब दक्षिण मेरे पीछे देखा, अब चलते हैं हम उत्तर साइड में, उत्तर साइड में भी बहुत लोग हैं, काफ़ी आनंद आ रहा है मेरे साथ आप लोगों को, है ना। सूर्योदय हो चुका आप देखो, ये सपना देखा था गाइज, देखो कि आज के 10-12 साल बाद ये जो पोखरा जो किसी काम का नहीं है, इस पोखरे में पानी भर जाएगा तो आने वाले समय में ऐसी भव्य सुंदरता बनेगी, और पानी भरने के बाद इस पोखरे का छठ पूजा में बहुत ही उपयोग होने लगेगा। हमारी इतनी सारी माताएं बनी इस छठ पूजा में यहाँ पर इस पोखरे का आनंद लेंगी और ये उगते हुए सूर्य का दर्शन करेंगी, यहाँ पर मेले लगेंगे, 2-4 पैसे लोग कमा सकेंगे, एक साथ कई हजार लोग यहाँ पे आ सकेंगे और इसका लाभ ले सकेंगे। देखो आप यहाँ पे आ गए हो, ये देखो इतने लोगों के साथ। वहीं कुछ साल पहले इस पोखरे पर दिन में आदमी नहीं आया करते थे, इतना यह भयावह पोखरा था, और आज सोच अच्छी हो तो कुछ भी किया जा सकता है ना, बस आपकी सोच इरादे नेक हों तो आने वाला समय आपका हो सकता है। देख रहे हो ना कितना प्यारा लग रहा है,
ये है हमारे कल्चर, ये हमारी संस्कृति। और ये देखा हुआ था मेरे चंद भाई, छोटा भाई चंदन सोनियार का सपना कि यहाँ पर आकर के लोग अपनी अपनी मान्यताएं मांग सकेंगे, ले सकेंगे, है ना। सूर्योदय हो चुका है, अब हमारी माताएं बने अपने व्रत को धीरे धीरे यहाँ से निकलना चाहेंगे, व्रत को खोलेंगे जैसा कि छठ पूजा में होता है, आपको पता होगा, है ना। मेरा मित्र आ रहा है, अभी वो बोलेगा, देखेगा, हंसेगा भी, वो आ रहा है, बहुत धीरे धीरे चलेगा, अब यही है, यही है, यही हंस रहा है, धीरे बोल नहीं रहा, भार इतना ज्यादा लिया है, क्या बोलेगा, बोलो जी। कैमरवा का भी तुम्हारा बाद में बोलेगा ये है। गाइज, सूर्योदय भले ही हो चुका है, लेकिन क्या अभी भीड़ खत्म हो जाएगी? नहीं, भीड़ ऐसे नहीं खत्म होगी। मेरे भाई के द्वारा किया गया व्यवस्था में वो ये कहता है कि आप लोग यहाँ आ रही हैं, यहाँ पर आपको जो सुख मिला, आराम मिला, इस छठ पूजा समिति के माध्यम से मिला, और आप यहाँ पे जब जाएं, जाने लगे, तो हमें आपके द्वारा कुछ चाहिए नहीं, बस वो छठ माता का प्रसाद चाहिए और आपका एक आशीर्वाद चाहिए, जिससे हम प्रत्येक वर्ष, आज 2024 चल रहा है, लगभग 14 साल हो चुके हैं इस छठ पूजा समिति के माध्यम से, इस छठ महापर्व का विशेष आयोजन में। और आइए, चलिए हम मिलवाते हैं विलास कर, प्रसाद आप लोग जरूर लेके जाइएगा, पीपल के पेड़ से उसके प्रसाद वितरण हो रहा है, प्रसाद लेके जाइएगा, प्रसाद आप लोग जरूर लेके जाइएगा। हाँ, उस बार तुम हंसी थी ना इस बार भी बोल दूंगा। बजा रहे थे जिसको बोलते हैं ढोल, है ना। अब वहां चलते हैं जहां पर प्रसाद वितरण हो रहा है, बहुत ही भीड़ लगी हुई है, ये देख। गाइस, ये तो रहा यहां का आनंद, दूसरा आनंद बाकी है, राजघाट पुल पे चलने वाला है, राजघाट पुल पे, यहाँ तो हो भी चुका, अब हम चलते हैं राजघाट पुल पे, जहाँ पे और भी इससे ज्यादा आनंद आने वाला है, पुल भी देखेंगे जहाँ पर दुर्गा जी का विसर्जन हुआ था, अभी अभी वीडियो आई नहीं है, आप लोग जरूर देखेंगे। हमने यहाँ खड़ी कर रखी है, अभी चलना है यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर होगा यहाँ से, है ना। बाइक मेरी गाइस, यहाँ भी पांडाल बनाकर लगभग नहीं नहीं तो 26 साल हो गए,
दिलीप जी के द्वारा यहाँ पर छठ मैया का महापर्व मनाया जाता है। और इस बार जो सड़क के ऊपर पुल के पास ही मनाया जाता था, लेकिन इस बार पुल के नीचे मनाया गया। इन्होंने भी यहाँ पर एक समिति बना करके छठ पूजा जो लोग यहाँ पर माताएं मनाई और मनाती हैं प्रत्येक वर्ष, चले वहाँ पे छठ मैया का जो है बहुत ही दिव्य मूर्ति बनी हुई है। कैसा लगेगा वहाँ पे चल के? अच्छा लगेगा, चलते हैं। काफ़ी दूरी से ऐसे ऐसे बनाया रखा है जो नज़दीक ही में, लेकिन रास्ता बार बार बनाया गया इस तरह से, फिर से नवनिर्माण। उनको लेके बहुत ही परिश्रम करते हैं कि हमारी माताएं बहनों को कोई कष्ट ना हो। और आप देख सकते हो यहाँ पर भी कार्य कितना सुंदर है। यहाँ पर छठ माता की मूर्ति बनाई गई, देख रहे हो आप, क्या बात है, पूजन किया गया। अभी भी माताएं बहनें यहाँ पर पूजन कर रही हैं, क्योंकि सुबह तो हो ही चुका था तो वहाँ पे आने में यहाँ देर हो गई। आइए दिखाते हैं हम आपकी भारतीय संस्कृति, एक पति पत्नी क्या करें। देखिए पत्नी अपने पति को क्या करें, देखिए चंदन लगा रही हैं, उनका परिवार देख रहा है, उनसे आशीर्वाद ले रही हैं। ये हमारी सभ्यता है, इनसे हमारे कुछ सीखने को मिलती है, कुछ मिले चाहे ना मिले, लेकिन हमारी संस्कृति में ये सभ्यता सीखने को मिलती है कि माता पिता से पति पति से आशीर्वाद लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए? ऐसे ऐसे सुबह सुबह जो है महापर्वों पर विशेष करके, वैसे तो आशीर्वाद लेना ही चाहिए, लेकिन ऐसे सुबह सुबह महापर्वों पर विशेष लेना चाहिए। ये छठ मैया की ये जो वेदी बनी हुई, देख रहे हो आप कितनी सारी वेदियाँ बनी हुई हैं, और हमारी माताएँ बहनें आज यहाँ पर वेदियों पर आकर के पूजन अर्चन की, और पूजन अर्चन के बाद अब यहाँ पर पूरा एकदम सन्नाटा, लेकिन बहुत ही शांत माहौल है। इतना शांत, यहाँ पर बैठ करके दो घंटे एकदम शांत मार के आँख मूंद के बैठने को मन कर रहा है ना। तो बहुत अच्छा लगना है छठ पूजा की वीडियो। आ गए हम ऊपर, वहाँ नीचे थे, इस बार काफी अलग व्यवस्था है, काफी एकदम अलग ही है ना। आ गए घर पे हम लोग, मम्मी फाटक खोलिए खोलिए खोलिए, आनंद आया। हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है काफी पसंद आई होगी, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन फुल रही होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करिए, और चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को आज भी शेयर कर दीजिए, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे प्यारे प्यारे ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, सब बात।